स्वागत है आपका एआई न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं पिछले वीक की इंपॉर्टेंट एआई रिलेटेड न्यूज बताता हूं। आज जानेंगे कि विप्रो एआई में $1 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है, फायरफ्लाई और गूगल बार्ड में इंडियन लैंग्वेजेस आ गई है, इलॉन मस्क ने अपना खुद का एआई स्टार्टअप लॉन्च कर दिया, गूगल की एआई नोट टेकिंग ऐप अब लिमिटेड लॉन्च हो चुकी है, स्टेबिलिटी एआई का स्केच टू इमेज टूल आया है एंड और भी बहुत कुछ। सो एंड तक जरूर देखना। एडोबी का जनरेटिव एआई टूल एडोबी फायरफ्लाई में अब 100 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस का सपोर्ट आ गया है एंड उसमें से बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस भी हैं, लाइक हिंदी, पंजाबी, तमिल, गुजराती, मल्यालम, मराठी, तेलुगु एटसेट्रा। सब टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स आप अपनी लोकल लैंग्वेजेस में भी दे सकते हो एंड आपका रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। बट ये सिर्फ फायरफ्लाई की वेब सर्विस की बात हो रही है, जो कि ब्राउजर के थ्रू एक्सेस की जाती है। एडोबी ने ये भी शेयर किया है कि अब तक 1 बिलियन से भी ज्यादा एसेट्स जनरेट करे जा चुके हैं ऑन द वेब और इन द फोटोशॉप, जो कि एडोबी की हिस्ट्री का 2 ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बीटा रिलीजेस में से एक है। मैंने आपको गूगल टेलब्रेन के बारे में बताया होगा, जो कि गूगल ड्राइव पे स्टोर्ड आपके डॉक्यूमेंट्स पे एक एआई ट्रेन कर देगा एंड देन आप उस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चंस पूछ पाओगे। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है टू नोटबुक एलएम एंड इसकी लिमिटेड लॉन्च भी हो गई है। सो ये ना कॉलेज स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि आपका नोट से पढ़ने का काम बहुत आसान हो जाएगा। बस आपकी बुक्स एंड सारे नोट्स को गूगल ड्राइव पे डाल दो एंड नोटबुक एलएम से क्वेश्चन पूछो अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक्स, तो ये आपको उन्हीं नोट्स में से इन्फॉर्मेशन ढूंढ कर देगा एंड इवन बता भी देगा कि एग्जैक्टली कहां से लिया ये इन्फो। बाकी अभी के लिए टेस्टिंग में ही है एंड लेट्स सी कब तक सबके लिए अवेलेबल होगा। देन गूगल बार्ड में भी अपडेट आया है, जिसके बाद अब वो 40 और लैंग्वेजेस का सपोर्ट करता है, लाइक हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, उर्दू, बंगाली एटसेट्रा। एक नया फीचर आ गया है जिससे आप इमेजेस को एज अ प्रॉम्प्ट एंटर कर सकते हो एंड आपको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स मिलेगा, लाइक आप इमेज के कैप्शन जनरेट कर सकते हो। बाकी आप रिस्पॉन्स का टोन एंड स्टाइल भी चेंज कर सकते हो या उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो एंड साथ ही आप कॉन्वर्सेशन को पिन या फिर उनको रीनेम भी कर सकते हो। इवन रिस्पॉन्स को सुनने का फीचर भी आ गया है, लाइक किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन समझना या फिर कोई पोएम सुनना एंड ये फीचर 40 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। फिर कोरा का जो चैटबॉट है हो, उसमें भी कुछ नए अपडेट्स आ गए हैं, लाइक कॉन्टेक्स्ट विंडो को 1 लाख टोकन तक कर दिया गया है। कॉन्टेक्स्ट विंडो का मतलब होता है वो सारा टेक्स्ट जो कि कंसीडर किया जाता है बिफोर जनरेटिंग एडिशनल टेक्स्ट। साथ ही अब हम किसी वेब पेज का यूआरएल डाल सकते हैं या कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं टू फाइंड आउट मोर अबाउट द टॉपिक। मतलब कितना इजी हो जाएगा कि पूरा डॉक्यूमेंट रीड करने की जरूरत ही नहीं है, बस डॉक्यूमेंट अपलोड किया एंड क्वेश्चन पूछा, जिससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ये इवन तो सिमिलर डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर भी कर सकते हैं टू फाइंड आउट कि क्या डिफरेंट है। बाकी आप किसी और के चैट को इंपोर्ट करके उन्हें कंटिन्यू भी कर सकते हो। स्टेबल डिफ्यूजन बनाने वाली कंपनी स्टेबिलिटी एआई ने अब एक नया टूल लॉन्च कर दिया है, इसका नाम है स्टेबल डूडल, जो कि स्केचेस को इमेजेस में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब अगर आपको थोड़ी बहुत ड्राइंग भी आती है ना, तो आप हाई क्वालिटी इमेजेस जनरेट कर पाओगे। बाकी आप स्केच के साथ प्रॉम्प्ट भी डाल सकते हो, सो दैट थोड़ा बेटर गाइड कर पाओ। ये टूल डिजाइनर्स एंड इलस्ट्रेटर्स काफी यूज करने वाले हैं टू मैक्सिमाइज देयर एफिशिएंसी एंड फ्री अप वैल्यूएबल टाइम। अभी डिजाइन स्टाइल्स की लिमिटेशन है, बट वो बढ़ा दी जाएगी एंड आप स्केच को इम्पोर्ट भी कर पाओगे, सो आप इसे फ्री में ट्राई कर सकते हो, बस हाँ कुछ लिमिट्स के अंदर ही। सो एक नए सर्वे के रिजल्ट सामने आए हैं जो बताता है कि व्हाट इंडियंस फील अबाउट एआई। 51% अर्बन इंडियंस को लगता है कि एआई उनकी जॉब रिप्लेस कर देगा, बाकी 62% को लगता है कि एआई से उनकी करंट जॉब ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एंड 65% अर्बन इंडियंस को लगता है कि नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में बड़े लाइफस्टाइल चेंजेस होंगे ड्यू टू एआई प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इस सर्वे से ये भी पता लगा कि अर्बन इंडियंस के बीच अवेयरनेस है, क्योंकि 64% का कहना है कि दे हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई एंड 62% का कहना है कि दे नो अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ एआई। इवन 50% को ये भी लगता है कि एआई से उनकी हेल्थ बेटर हो जाएगी एंड 54% को लगता है कि एआई से इकोनॉमी बेटर हो जाएगी। तो इंटरेस्टिंग सर्वे है, बट इसका सैंपल सेट सिर्फ अपर क्लास एंड मिडिल क्लास है, जो कि अर्बन एरियाज में रहते हैं। सो दिस क्लियरली डजंट शो द कंप्लीट पिक्चर। इलॉन मस्क ने फाइनली अपना एआई स्टार्टअप लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है XAI, जो कि प्रो ह्यूमैनिटी होगा। उनके अकॉर्डिंग वो ऐसा एआई बनाएंगे जो बहुत क्यूरियस होगा एंड यूनिवर्स को समझने की कोशिश करेगा, जिसका मतलब वो प्रो ह्यूमैनिटी भी होगा। उनके अकॉर्डिंग ऐसे एआई का आना जरूरी है, वरना टर्मिनेटर जैसा फ्यूचर पॉसिबल हो सकता है। जिसको नहीं पता, टर्मिनेटर एक मूवी सीरीज है जिसमें एआई कंट्रोल ले लेता है ह्यूमंस का एंड उनको खत्म करने के पीछे पड़ जाता है। वैसे तो उन्होंने कुछ टाइम पहले कहा था कि सारे एआई डेवलपमेंट्स को पॉज कर देना चाहिए, बट अब उनके अकॉर्डिंग ऐसा करना इज नॉट रियलिस्टिक। सो इसलिए XAI का फोकस है एक अच्छा एआई बनाना। उनके अकॉर्डिंग अगले 5 से 6 साल में सुपर इंटेलिजेंट एआई आ जाएगा, जो ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। बट हाँ, वो खुद ये भी कह रहे हैं कि XAI को गूगल या फिर OpenAI के लेवल पे पहुंचने में अभी काफी टाइम लगेगा। और इनकी टीम में अगर हम देखें तो गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट के ही पुराने इंजीनियर्स हैं। सो रीसेंट G20 की साइबर सिक्योरिटी मीट में इंडिया ने कहा है कि हमें AI टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबली यूज करना होगा, बिकॉज इससे साइबर अटैक्स, मैलवेयर, फेक इन्फॉर्मेशन, स्कैम्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। इसलिए ऐसे रूल्स बनाने पड़ेंगे जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़े एंड वो अकाउंटेबल भी हो। मेटा ने अपना इमेज जनरेशन मॉडल कमेलियन अनाउंस कर दिया है एंड वो क्लेम कर रहा है कि दिस इज द बेस्ट इन द मार्केट, बिकॉज ऑफ 5 times कम कंप्यूट पावर लेता है एंड स्मॉल ट्रेनिंग डेटा सेट पे ही वर्क कर लेता है। उनके अकॉर्डिंग कमेलियन के इमेज आउटपुट्स आर मोर क्लोज टू द एंटर्ड टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। इसको शटरस्टॉक के लाइसेंस इमेजेस पे ट्रेन किया गया है, जिसमें 7 बिलियन पैरामीटर्स का यूज हुआ है, विच इज द डबल ऑफ DALL-E 2। सिंपली ऐसे समझो कि जितने ज्यादा पैरामीटर्स होंगे उतना बेटर इमेज या फिर टेक्स्ट जनरेट होगा। अगर आप मेटा की प्रोवाइड की गई इमेजेस देखो तो उसमें टेक्स्ट एंड फिंगर्स बेटर दिखाई दे रहे हैं कंपेयर टू अदर्स। और भी
काफी फीचर्स हैं इसमें, बट लेट्स से कि मेटा कब इसे पब्लिकली रिलीज करता है। चैट जीपीटी का राइवल क्लॉड 2 अब पब्लिकली अवेलेबल है यूके एंड यूएस। इसे बनाया एंथ्रोपिक ने एंड ये सेफ्टी प्रिंसिपल्स की लिस्ट पे ऑपरेट करता है जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से ली गई है। बेसिकली वो इन्हीं प्रिंसिपल्स का यूज करेंगे बिफोर प्रोड्यूसिंग एनी टेक्स्ट। आइजैक एसिमोव एक साइंस फिक्शन राइटर थे एंड उन्होंने 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स बनाए थे। उनमें से एक था कि रोबोट्स को सिखाओ टू नॉट कॉज एनी हार्म टू ह्यूमंस, एंड एंथ्रोपिक की अप्रोच भी कुछ ऐसी ही है। क्लॉड 2 इतना पावरफुल है कि वो 75,000 वर्ड्स के टेक्स्ट को समराइज कर सकता है, मतलब एक पूरी नॉवल को सिर्फ कुछ पॉइंट्स में बता दिया, बट स्टिल इसमें भी हेलुसिनेशंस एंड एरर्स हैं। इंडियन आईटी कंपनी विप्रो $1 बिलियन इन्वेस्ट करने वाली है इन एआई ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। गोल है एआई में कंपनी की फाउंडेशन बनाना, डेटा एंड एनालिटिक्स की कैपेबिलिटीज और कंसल्टिंग की कैपेबिलिटीज बिल्ड करना। इन्होंने विप्रो एआई 360 भी लॉन्च कर दिया है जो कि एआई फर्स्ट इनोवेशन सिस्टम है एंड वो अपने 2.5 लाख एम्प्लॉयज को ट्रेन भी करने वाले हैं इन एआई ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो यही थी आज की एआई न्यूज। अगर आपको जानना है कि एआई से कौन सी नई जॉब्स आने वाली हैं तो उसके लिए लेफ्ट वीडियो देखो, एंड अगर आपको जानना है कि जनरेटिव एआई या फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे सीखें तो उसके 10 फ्री कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर डू टू गेट ऑल द लेटेस्ट एआई न्यूज एंड अपडेट्स, एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।